फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं कि ये देखिए चरुआ जो है हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, इस तरीके से चरुआ जब बच्चा होता है ना तो चरुआ चढ़ रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आज संयोग जो है चाचा बन गए हैं, तो उनकी संयोग की बहुत ही फेवरेट भाभी है, तो उनको बेटा हुआ है। तो ये वहीं पे हम लोग हमारे बगल में ही रहते हैं और रिलेटिव भी हैं ये। तो इस तरीके से हम लोग, मैं बुआ लगती हूँ और ऐसे हम लोगों का रिश्ता है। तो गई थी मैं, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब कुछ बेटा बेटी कुछ भी होता है तो सब मोहल्ले पड़ोस के सब बुलवा होता है और सब लोग आते हैं। मेरे हिसाब से सब जगह होता होगा ऐसा। तो मैं बता रही थी इसको कि ये बच्चे की बुआ है। वैसे मैं तो बुआ दादी लगती हूँ बच्चे की, और ये है बुआ जो चरुआ सजा रही है। तो चरुआ सजाती है, बुआ ही सजाती है। तो मैं उसको बता रही थी कि ऐसे ये जौ लगाए जाते हैं और गोबर, गाय के गोबर से सजाया जाता है इसको। गाय के गोबर से स्वास्तिक बनाए जाते हैं और जौ से सजाया जाता है हमारे यहाँ। अब हमें दूसरे यहाँ किसी के किस स्टेज में कैसा होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बुंदेलखंड में ऐसे ही होता है। और देखिए रंग लगाया जाता है, तो जितने लोग बुलवा करने आते हैं सब लोगों को रंग लगाया जाएगा। तो ये मुझे ही लग रहा है। और इसके बाद मतलब सबको, और एक रिवाज और होता है हमारे यहाँ जो मान होते हैं, जैसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक सबसे अच्छी बात पता आप लोगों को क्या है कि हमारे यहाँ कन्याओं का बहुत ही ज़्यादा बेटियों का सम्मान होता है। जैसे कि हमारे यहाँ और अदर स्टेट में मुझे ज़्यादातर मैंने देखा है कि लड़कियाँ जो है माँ बाप के पैर छूती हैं, बड़ों के पैर छूती हैं। एक हमारा ही बुंदेलखंड ऐसा है जहाँ पर हमें कन्या मतलब लड़कियों से हम लोग जो है ऐसे ऐसे काम नहीं करवाते हैं। जैसे हमारे चाचा पापा लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो इनके हम लोग कपड़े भी नहीं धुल सकते हैं। मतलब हाथ से अगर मैं तो अपने पापा के कपड़े अगर हाथ से भी बाथरूम में पड़े हों और उठा लूँ तो वो गुस्सा करने लगते थे। तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में ऐसा रिवाज है। और बाकी की जगह मैंने ऐसा देखा है कि लड़कियाँ जो हैं जो भी हो उनसे बड़ा हो तो उनके पैर छूती हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे माता पिता हो, चाहे और अन्य कोई रिश्तेदार हो, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में लड़कियों को पूजा जाता है, कन्याओं को। और हमेशा पूजनीय रहती हैं लड़कियाँ मायके में हमेशा। तो ये देखिए, तो चूँकि मैं यहाँ रहती हूँ मायके में ही, तो इसलिए मैं बुआ इन लोगों की लगती हूँ। तो इस हिसाब से रंग वगैरह जो लगता है, तो सबसे पहले जो मान होते हैं, पूजनीय होते हैं, उन्हीं को लगाया जाता है। तो सबसे पहले मुझे लग गया था, कन्याओं को पहले लगा दिया था, फिर इसके बाद मुझे लगाया, अब सब लोग लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पड़ोस के ही सब लोग हैं। और हमारे यहाँ मतलब ऐसे लगता है जैसे हम लोग एक ही घर, मतलब एक परिवार, एक घर की तरीके रहते हैं सब लोग। अभी आपने सुना सोहर गीत जो हमारे यहाँ पारंपरिक बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। Oh, mm-hmm.
अभी आपने सुने हमारे यहाँ जो सोहर गीत गाए जाते हैं जब हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं जैसे, तो और ये चरुआ है जो हम चढ़ाएंगे अब, तो इसी में जो पानी हम लोग उबालते हैं यही पानी बच्चे की माँ जो होती है वो पीती है, क्योंकि उबला हुआ पानी वैसे भी साइंटिफिकली अच्छा माना जाता है। तो उसी यही सब परंपराएं पहले हुआ करती थी, तो पहले थोड़ा सा इनका नाम बदल दिया जाता था, तो जैसे कि अब ये जो नई माँ होती है ना तो इसको काफ़ी दिनों तक चरुए का पानी जैसे कहते हैं, और ये उबला हुआ पानी होता है और इसमें काफ़ी चीज़ें डली होती हैं तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। तो बस ये उबाल देंगे तो ये इसका एक नेंग होता है हमारे यहाँ, तो 5 कन्याओं को बुलाया जाता है, 5 कन्या 7 कन्या जितनी भी कन्याएँ होंगी। तो वही मैं बता रही थी कि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कन्याओं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, हर जगह हमारे यहाँ आगे कन्याओं को किया जाता है। तो ये हमारे बुंदेलखंड की बहुत अच्छी परंपरा है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए हमने कन्याओं को बुलाया है, इनको टीका लगा दिया है, कुछ पैसे वगैरह जो दे दिए हैं कुछ ने वो दिया जाता है, खाली नहीं करवाया जाता है ये सब। तो बस 5 कन्याओं को बुला लेंगे और बस 5 कन्याओं से इसमें पानी डलवाएंगे इस चरुआ में। तो देखिए जो भी शुभ काम होते हैं तो कन्याओं से करवा दिए जाते हैं। तो शुरुआत हमारे यहाँ सब कन्याएं करती हैं, देखिए 5 लड़कियाँ हैं छोटी छोटी सी, और इन्हीं को भाई भी इन्हीं को हुआ है, इनमें से 3 लड़कियाँ हैं, इनको तीनों के बाद ये बेटा पैदा हुआ है, तो तीनों बहनें हैं और फिर इसके बाद ये बुआ भी है साथ में। तो ये सब 5-7 बार पानी डालेंगे चरुए में, फिर इसके बाद इस चरुआ को चूल्हे पर चढ़ा दिया जाएगा। तो इसका पानी इतना पकाया जाएगा कि मतलब 2-3 इंच जब पानी कम हो जाएगा फिर इसके बाद इसको बंद किया जाएगा, फिर ये ठंडा करके और जो नई माँ होती है उसको पिलाया जाता है। तो ये देखिए 5 या 7 बार में ये भर दिया गया होगा, और बस इसके बाद जो जैसे कि बहन अगर है पहले से बेटी है और फिर उसके बाद बेटा होता है, तो हमारे यहाँ एक रिवाज और होता है कि जो गुड़ होता है हमारे यहाँ गुड़ खिलाया जाता है, तो सुठौरा बोलते हैं हमारे यहाँ बनाया जाता है जब नई माँ को, तो ये सब ड्राई फ्रूट वगैरह घी में तल के ये सब वो मैंने आपको कल के या परसों के ब्लॉग में दिखाऊंगी, मैंने शूट किया था वो बनाया था तो भी मैं गई थी, तो वो सब खिलाया जाता है। तो ये देखिए इस बच्ची के बाद बेटा हुआ है तो इसकी पीठ पर ही गुड़ की जो इतनी बड़ी डली होती है, वो पहले कहते हैं डली फोड़ना कहते हैं लेकिन फोड़ते नहीं हैं, करवा दिया जाता है, थोड़ा सा टच करवा दिया जाता है, तो इसकी पीठ जो है पूजी जा रही है क्योंकि इसके बाद भाई आया है। तो ये देखिए स्वास्तिक बना दिया है इसकी पीठ में, और अब ये चाची उठेंगी तो ये जो गुड़ की भेली होगी इतनी बड़ी वो इसकी पीठ में 7 बार छुपा दी जाएगी बस, फिर इसके बाद उस गुड़ को फोड़ के और ये जो नई माँ होगी वो उसमें ड्राई फ्रूट में मिला के और खिलाया जाएगा। तो हमारे यहाँ काफ़ी अलग होता है बुंदेलखंड में और अच्छे रीति रिवाज होते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत डर रही थी, इसको लग रहा था कि इतना बड़ा गुड़ का जो है ये इसकी पीठ में पटक देंगे, तो ये डर रही थी बहुत। देखिए आप कितनी सहमी हुई बैठी है, और उसको पता नहीं था कि क्या होता है, हम मैंने कह दिया था कि अब तुम्हारी कमर टूट जाएगी। तो ये देखिए वो बेचारी भाई आने की खुशी में बैठी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो ये देखिए इस तरीके से 7 बार छुपा देंगे और फिर इसके बाद अलग से फोड़ देंगे उसको। तो ये होता है हमारे यहाँ, तो इसका सम्मान किया जा रहा है क्योंकि इसके बाद इसका भाई आया है। तो आज के लिए बस यही है हमारे ब्लॉग में, तो मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में। तो बाय बाय फ्रेंड्स।